सिर्फ एक चीज हमें यूज करनी है, वो अगर अच्छे तरीके से जो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ बस वैसे यूज करना है, तो आपको 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे 3 दिन के अंदर अंदर ही। हाय गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं किचन में हूं आज, क्योंकि साथ साथ में हमारा खाना बन रहा है और मैंने सोचा कि खाना भी बनता जाएगा और मैं आपके साथ एक रेमेडी भी शेयर कर लेती हूं। तो चलिए जी, बात करते हैं पिंपल्स के बारे में। पिंपल्स जो मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि जिनके पिंपल्स होते हैं ना, उनको अपना चेहरा खुद को ही देखने को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो पिंपल्स अगर ठीक भी होते हैं ना, तो बाद में अपने जो है दाग छोड़ जाते हैं और वो उससे भी ज़्यादा गंदे दिखते हैं जो दाग जब भी छोड़ जाते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले पिंपल्स के ऊपर और भी मतलब विटामिन ई कैप्सूल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें मैंने पूरे 10 प्रॉब्लम्स के बारे में रेमेडीज आपके साथ शेयर की थी, जो कि विटामिन ई कैप्सूल को लेकर ही थी। विटामिन ई कैप्सूल हम अलग अलग प्रॉब्लम्स में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनमें से एक प्रॉब्लम थी हमारी पिंपल्स की और उसी प्रॉब्लम को लेकर मैंने एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर दी थी। वही वीडियो में से उठा के एक शॉर्ट वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर दी थी और वो शॉर्ट वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं और वो वीडियो थी पिंपल्स के ऊपर। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम लग रही है, तो इसके ऊपर मैं एक और वीडियो आपके मतलब साथ शेयर करती हूँ। ज़्यादा कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज़ हमें चाहिए जो आपके घर में नॉर्मली सबके घर में मिल जाती है बहुत ही इजीली, वो चीज़ से हम आज पिंपल्स का इलाज करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पिंपल्स होते क्यों हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो है पिंपल्स होने की कि आपका पेट साफ नहीं हो रहा। अगर आपके पेट में प्रॉब्लम चल रही है, आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले हमारे फेस पर दिखकर आता है, पिगमेंटेशन हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं अगर आपका पेट अच्छी तरह से साफ नहीं हो रहा। तो देखिए, ये तो हो गई पहली प्रॉब्लम हमारी। और दूसरी प्रॉब्लम है जी, अगर कोई आपका मेडिकेशन चल रहा है, कोई आपकी मेडिसिन चल रही है कोई प्रॉब्लम को लेकर, तो मेडिसिन जो होती है वो बॉडी में हीट कर देती है, जिसकी वजह से हमारे मुंह के ऊपर, बॉडी के ऊपर किधर भी पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये दो प्रॉब्लम्स हो गई है। और तीसरी प्रॉब्लम हो गई है जी हमारी ऑयली स्किन है जिनकी, उनके भी पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। फोर्थ नंबर पर आ गया जी हमारा कॉस्मेटिक, जो हम तरह तरह के कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं ना अपने फेस पर, फेस को फेयर बनाने के लिए, रिंकल फ्री बनाने के लिए, पिंपल्स के लिए, तो वो ही है ना, वो जो कॉस्मेटिक्स है ना वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर देते हैं, उसकी वजह से भी हमारे फेस पर पिंपल्स हो जाते हैं, ड्राई स्किन हो जाती है। तो ये देखिए, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। यूट्यूब भरा पड़ा है होम रेमेडीज से कि स्किन को फेयर कैसे बनाएं, रिंकल्स के लिए, पिंपल्स के लिए और भी काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स के लिए। आप वो होम रेमेडीज यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, मैं अपने ही चैनल की बोल रही हूँ, आप किधर भी जाके ये होम रेमेडीज़ देखकर यूज़ कीजिए, कॉस्मेटिक को छोड़िए, ज़्यादा कुछ फालतू चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑयली स्किन होती है ना जिनकी, उनके लिए ये जो वीडियो है ना इतनी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ना, कि आपको 3 दिन के अंदर अंदर ये आपके फेस पर है ना जो असर दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप मेरे ये बताए हुए तरीके से, सिर्फ एक चीज़ हमें यूज़ करनी है, वो अगर अच्छे तरीके से जो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ बस वैसे यूज़ करना है, तो आपको 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे 3 दिन के अंदर अंदर ही। तो चलिए जी, अभी मैं बता ही देती हूँ वो कौन सी चीज़ है। और वो चीज़ है जी हमारा टेलकम पाउडर। देखिए, मैंने पॉन्ड्स का पाउडर लिया है, आपके पास कोई भी पाउडर होगा घर पर पड़ा हुआ, बस ले लीजिए। और इसे अभी लगाना कैसे है मैं बताती हूँ। देखिए, हाथ पर ये पाउडर लेंगे हम और रात को आप सोने के टाइम पर ऐसे हाथ से लगा लीजिए, नहीं तो कॉटन ले लीजिए, कैसे भी आप लगा लीजिए, जिधर जिधर आपके पिंपल्स है बस उधर उधर आपको लगाना है। तो देखिए, मैं सिर्फ आपको फोरहेड पर लगाकर दिखा रही हूँ और आपको ज़्यादा सारा लगाना है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा सारा अप्लाई करना है और ये जो पाउडर रहेगा ना, ये आपकी जो
ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है ना, ये जो ऑयल है ना आपके स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर, ये जो पाउडर है वो ये पूरे ऑयल को सोख लेगा और जिससे आपकी पिंपल्स की प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाएगी। लगातार 3 दिन तक लगाकर देखिए, आपको चौथे दिन खुद अपने फेस पर ये फर्क दिखेगा। तो देखिए, आपको ज्यादा सारा ऐसे पाउडर अप्लाई कर छोड़ देना है और सो जाना है। रात को जिधर जिधर आपके पिंपल्स है फेस पर, उधर उधर लगाना है आपको। आपको इतना सा काम करना है, पाउडर लगाना है फेस पर, ज्यादा सारा लगाना है, रात को सोने के टाइम पर लगाना है, 3 से 4 दिन लगातार लगाना है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो आपके पिंपल्स है ना फेस पर, वो सूखना शुरू हो जाएंगे, उनके उनके ऊपर छिलका आना शुरू हो जाएगा और थोड़े दिन में वो छिलका है जो वो भी चला जाएगा और आपके पिंपल्स भी कम होना शुरू हो जाएंगे। बस इतना सा आपको करना है। और दूसरी बात है, आपको अगर आइस क्यूब आप अपने फेस पर लगाते हैं, जिधर जिधर पिंपल्स है उधर एक आइस क्यूब लीजिए और मसाज करते जाइए धीरे धीरे, और उससे भी आपको काफी फर्क लगेगा पिंपल्स में। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचेगा। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।